दोस्तों सिर्फ 2 रुपए में दूर करें कोहनी और घुटनों का कालापन। शरीर में जोड़ों का कालापन कोई चौंकाने वाली समस्या नहीं है, क्योंकि शरीर के अन्य अंगों के मुकाबले जोड़ों की स्किन थोड़ी मोटी होती है, जिसके चलते ये आसानी से काली हो जाती है। कोहनी और घुटनों के कालेपन के पीछे कई कारण होते हैं। जब डेड स्किन सेल्स कोहनी या घुटनों पर जम जाती हैं तो ये काले हो जाते हैं। इसके अलावा जब हम कोहनी और घुटनों को साफ करने की मंशा से ज़्यादा रगड़ देते हैं तो इसके बाद भी ये साफ होने के बजाय काला पड़ जाता है। आमतौर पर महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही इस प्रकार की समस्या को देखा जाता है, क्योंकि यह समस्या एक आम समस्या है। कोहनियों पर कालापन वास्तव में मैल की परतें होती हैं। ठीक प्रकार से इनकी देखभाल न करने पर हमें ये अंजाम भुगतना पड़ता है। आज हम आपको कोहनी और घुटनों के कालेपन से छुटकारा पाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे बता रहे हैं। इन्हें आजमाकर आप कुछ ही दिनों में कालेपन की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। ओवरवेट यानी कि हद से ज़्यादा मोटापा या हद से ज़्यादा पतलापन होने के कारण भी कोहनी और घुटनों के कालेपन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कोहनी और घुटनों के कालेपन से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले खीरे की 2 से 4 स्लाइस बना लें। अब एक स्लाइस लें और इसे 10 से 15 मिनट तक प्रभावित अंग पर रगड़ें। इसके बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दें और अब ठंडे पानी से धोएं। अब दूसरी प्रक्रिया स्क्रब की है। स्क्रब करने के लिए एक कंटेनर में बेकिंग सोडा लें। अगर ये नहीं है तो आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें कुछ मात्रा में दूध भी शामिल करें। इन्हें मिक्स करें और 5 मिनट तक कालीपन वाली जगह पर स्क्रब करें। आप स्क्रब के दौरान ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अच्छी तरह से साफ होगा। अब व्हाइटनिंग पैक बनाने के लिए 2 चम्मच प्याज का पेस्ट, 2 चम्मच नींबू का रस, 1/2 चम्मच शहद और 1 चम्मच बेसन लेकर इन्हें आपस में अच्छी तरह से मिक्स करें। प्याज में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो स्किन को डीप तक नरिश करता है और कालेपन को हटाता है। नींबू में 6% सिट्रिक एसिड है जो स्किन टोन को हल्का करता है। शहद एक नेचुरल ब्लीचिंग है और ये स्किन पोर्स को साफ और चमकदार बनाता है। बेसन एक स्किन वाइटनिंग एजेंट है, ये चेहरे को साफ करने के साथ ही दाग धब्बे भी दूर करता है। इस पैक को 30 मिनट तक लगाकर छोड़ दें। अब साफ पानी से धो लें। हमारा दावा है कि इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार करने के बाद ही आपको कोहनी और घुटने के कालेपन से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। धन्यवाद।